छिंदवाड़ा भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत जिला है, जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। यह शहर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जो मध्य प्रदेश के 3.85% हिस्से पर फैला हुआ है। दोस्तों, छिंदवाड़ा शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में मौजूद खजूर के पेड़ों की अधिकता के साथ बसा हुआ है, तथा इसके अधिकांश क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी फैली हुई है। इसी कारण छिंदवाड़ा क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास के निर्माण में उसकी भौगोलिक स्थिति और भू आकृति का विशिष्ट योगदान रहा है। और छिंदवाड़ा शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ कुछ इस तरह है, छिंद का अर्थ खजूर से है और वाड़ा का अर्थ स्थल से है। इस तरह दो शब्दों को मिलाकर इस शहर का नाम छिंदवाड़ा पड़ा है। दोस्तों, वहीं छिंदवाड़ा अपने उत्कृष्ट स्थानों के कारण मध्य प्रदेश राज्य के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। यहाँ पर घने जंगलों से लेकर सुंदर नदियों, प्राचीन किलों के संग्रहालय, कोयले की खदान से लेकर संतरों के बागान और चमत्कारी मंदिरों से लेकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों मौजूद है। दोस्तों, एक समय छिंदवाड़ा में शेर भी पाए जाते थे, इसलिए इसे पहले सिन्हवाड़ा भी कहा जाता था। और हाल ही के कुछ सालों से मक्के की अच्छे उत्पादन के कारण अब इसे कॉर्न सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, छिंदवाड़ा जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और छिंदवाड़ा जिले का प्रशासनिक विभाजन उपमंडल, ब्लॉक और तहसील में किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी एसडीएम, बीडीओ और तहसीलदार होते हैं। दोस्तों, यह शहर समुद्र तल से 675 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। अगर बात करें इस जिले के क्षेत्रफल की तो 11,815 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार छिंदवाड़ा की जनसंख्या 20 लाख के लगभग है और छिंदवाड़ा की साक्षरता 21% है तथा महिला पुरुष अनुपात यहाँ पर 904 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। वहीं छिंदवाड़ा जिले में बहुसंख्यक जनजाति आबादी भी निवास करती है और इस जिले में बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, मराठी, गोंडी, उर्दू, कोरकू आदि भाषा बोली जाती हैं। फ्रेंड, वही छिंदवाड़ा जिले की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर उद्योगों पर आधारित है। साथ ही इस जिले में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की एक इकाई भी है। दोस्तों, अगर बात करें छिंदवाड़ा जिले के इतिहास की तो इस शहर पर कई राजवंशों ने शासन किया था, लेकिन सबसे अधिक समय के लिए यहाँ पर मराठों ने शासन किया था, जो कि 1803 तक अंग्रेजों के आगमन तक कायम रहा था। जब देश स्वतंत्र हुआ तो तत्कालीन नागपुर को इसका मुख्यालय बनाया गया था। जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश का गठन किया, तभी इस जिले का मुख्यालय छिंदवाड़ा नगर को बना दिया गया था। दोस्तों, वहीं छिंदवाड़ा जिले की सीमा पूर्व में सिवनी जिले से, पश्चिम में बैतूल जिले से, उत्तर में नरसिंहपुर, उत्तर पश्चिम में होशंगाबाद जिले से तथा दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य से घिरा हुआ है। फ्रेंड, इसके अलावा पर्यटक के लिहाज से भी छिंदवाड़ा एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। यहाँ कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल मौजूद है, जैसे पातालकोट, राम मंदिर, तामिया, जनजातीय संग्रहालय, छोटा महादेव गुफा, देवगढ़ किला, अनहोनी में गर्म पानी के झरने और राधा देवी गुफाएं जैसे कई प्रमुख स्थल मौजूद हैं। फ्रेंड, आप छिंदवाड़ा रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा आसानी से जा सकते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।